साथियों, हम तैयार हैं अब कलिया टॉप में ट्रैकिंग करने के लिए। और ये हमारा है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी हमारी। और हमने यहाँ पर शूज यहाँ पर ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ा पैसा बताया गया है। और सामने लाठी भी लगी है, तो लाठी हमारी 20 रुपये की और जूते हमारे 100 रुपये। इसका किराया यहाँ पर इन्होंने हमसे लिया है। और एंट्री फीस भी है, एंट्री फीस 50 रुपये पर हेड। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से। लगभग 6 किलोमीटर यहाँ से इसकी दूरी है, 0.1। मैंने कहा ऊपर बहुत सारी बर्फ है, तो देखते हैं 0.1 पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। तो चलिए चलते हैं खलिया टॉप। कोशिश पूरी होनी चाहिए, उसके बाद समय बताएगा कि हम कितने उसमें सक्सेस होते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए हमारे मानव तीसरा ट्रैकर पीछे रखें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मैं तो नहीं, मैंने कई बार खलिया टॉप आने का प्रोग्राम बनाया, रिजार्ट में कई ब्रांच मेरे आए चले गए, लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ आपको ही प्राप्त हुआ है। आपके बहाने हमारे को भी देखने का सौभाग्य मिल रहा है। करीब करीब साल पूरा होने वाला है, लेकिन इतना है दुस्साहस का हो या साहस का हो, नहीं कर पाए हम। अब आज पता लगेगा कि साहस किया था क्या, क्या दुस्साहस किया था। लेकिन मेरा ये काफी टाइम से प्लान था कि खलिया टॉप जाए चले, लेकिन मौका कभी ऐसा बन नहीं पाया। लेकिन आपके सौभाग्य से जो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आज तो थोड़ा त्वरित हमारा वो चल रहा है। यहाँ के बारे में अगली बार सोचा जाए तो नाइट स्टे यहाँ किया जाए खलिया। हाँ, जो टॉप में है ना, जहाँ टेंट लगे, टेंट लगे, अभी वो टेंट में हम देखेंगे। जैसा कि अभी 5-6 महीने आप बहुत सीवियर एक्सीडेंट से गुजरे हैं, बिल्कुल, और आप फिर भी हिम्मत दिखा रहे हैं इसमें चलने की, क्या लगता है आप चल पाएंगे? मन तो मेरा हमेशा से ही था कि एक बार खलिया टॉप जाएं, ट्रैक करें। ट्रैकिंग मुझे पसंद भी बहुत है, हालांकि थोड़ी दिक्कत है, पर देखें जहाँ तक जा सके, जहाँ तक हमारी विल पावर हमें खींच सके। चलिए मानो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप इस परिस्थिति में भी जो है अपने जो शौक है उस जज्बे को जिंदा रखा है। ऑल द बेस्ट। आ गए हैं और मुझे पीछे पंचाचूली का बहुत ही बेहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।
अभी हम आए हैं 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और लिखा है, जैसा कि यहाँ पर बोर्ड में लगा हुआ है, और चढ़ाई और कठिन होती जा रही है। मैथुल जी बताएंगे कि इसको फॉरेस्ट थेरेपी क्यों बोलते हैं? एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप जरा बताइए इसको। मैथुल जी एक यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था फॉरेस्ट थेरेपी, ये क्या है? एक शिरिन योको करके एक जापानीज टर्म है, जिसकी जो आप इंग्लिश में आप उसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसे कहते हैं फॉरेस्ट बेथिंग। इससे जो है आपके जो हार्ट की प्रॉब्लम, आपके बीपी की प्रॉब्लम, अगर आप फॉरेस्ट में कुछ समय दें, अपना कुछ आइडल टाइम जो 1 से 2 घंटे आप अगर फॉरेस्ट में दें, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जापान में काफ़ी प्रचलित है, तो इसको फॉरेस्ट बेथिंग कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से फॉरेस्ट थेरेपी हाँ, तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट थेरेपी लगभग सभी को लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए। अगर कोई अपने आपको फिट रखना चाहता है तो उसके लिए फॉरेस्ट थेरेपी बहुत बढ़िया है। तो चलिए करते हैं हम फॉरेस्ट थेरेपी और पहुंचते हैं खलिया टॉप में। रास्ते यहाँ पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है जहाँ पर आप रख के रह सकते हैं। हम
बी एन के रिजॉर्ट, और मानव हमसे पहले पहुंच के यहाँ पर आराम कर रहे हैं। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। असुदा पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई टेंट लगे हुए हैं, आप आके इस टेंटों में रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इतना पाँव में आपकी इंजरी होने के बावजूद भी आप इतनी जल्दी आप पहुँच गए, कैसे? ये जो जुनून है जस का है ट्रैकिंग का, ये अभी बिल्कुल करार है, ये मुझे आगे तक खींच के ले गया। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अभी एक चैलेंज और है जो नीचे जाने का भी संघर्ष है। अच्छा, अभी बहुत बड़ा रहेगा। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. साथी, इस समय मैं हूँ भुजपानी पॉइंट पे, और यहाँ पर टीआरसी का रेस्ट हाउस भी है जहाँ पर लोग रुकते हैं। इसके अलावा टेंट्स भी बने हुए हैं प्राइवेट, जहाँ पर रुक सकते हैं, और हमने पूरा भी आपको अपनी टेंट में दिखाएंगे कैसा टेंट करके। तो हमारे साथ मानव, उन्होंने बहुत नंबर वन पर रहे हैं ट्रैकिंग पे, और ये अशोक जी जिन्होंने पूरा रास्ते पर हमें गाइड किया। और भाई मज़ा आया? बिल्कुल बहुत। हाँ, तो बहुत शानदार यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है, हालांकि इससे ऊपर है 0 पॉइंट, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें लौटना भी है और समय ज़रा कम है, तो इसलिए हम यहाँ से चलेंगे वापस मुंशारी। एडवेंचर भी करवाते हैं, तो गोलू जी बताइए हमें, पहले तो ये बताएं कि स्टार्टिंग से जो नीचे पॉइंट था, ट्रांसिट ट्रैक स्टार्ट हुआ है, वहाँ से ये कैंप साइट तक कितना दूरी है? 2.5 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ पे कैंप का क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? कैंप में आपको ये आपके जो कैंप है सब 4% आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारा किचन टेंट है, खाने है, सर्विस पूरा ओके, खाना भी है, ठीक, और वॉशरूम सब पूरी व्यवस्था है, ठीक, फैसिलिटी पूरी बढ़िया है हमारे पास, कुछ वो नहीं है। इसी कैंप में हम सोने के लिए लोग स्लीपिंग बैग देते हैं, अगर इसको ठंड जाता है तो कम्बल भी दे देते हैं इस चीज़ में। ये हमारा यहाँ का वो है, मतलब ये अपना कैंप है, यहाँ 4% सो सकते हैं। अच्छा, और आप अगर बर्फ गिरे तो? जो सर बर्फ गिरे तो ये जो टेंट है इसके ऊपर बर्फ जम जाती है। अच्छा, हिलाना पड़ता है इस टाइप से ताकि दबे क्योंकि गिरे ना ये पोल, ये पोल थोड़े बहुत नाजुक टाइप के होते हैं। अच्छा, ओके, ज़्यादा लोड लेने पे गिर जाते हैं, मतलब तो टेंट पे थोड़ा दिक्कत आता है इससे। तो रात को मतलब अगर 12-1 बजे भी बर्फ़ गिरे तो भी पकड़ के जानना है हमें, बर्फबारी के दिन तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, चलिए, तो थोड़ा ये इसमें इसके जो पर नाइट पर पर्सन क्या चार्जेज हैं सर? इसके अगर आप पीक सीजन में आओगे तो 15 से लेकर 2000 की पर पर्सन विथ मील के साथ रहता है। अच्छा, थोड़ा सीजन जब ऑफ चल रहा होगा तो 1000 या 1200 पर पर्सन विथ मील का है, 2 टाइम का मील लेता है। तो इस समय हम रहेंगे तो 1000 रुपये देंगे जी सर? इस समय अगर आप रहेंगे तो ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन थोड़ा कम सीजन कम चले तो 1000-1200 में। अच्छा, वो आपके मील के ऊपर डिपेंड करता है, वेज नॉन वेज का जो आपका मील है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या पैकेज है। ठीक है, मतलब 1000 रुपये में हम रह सकते हैं जी सर? 2 मील है, मतलब रात का और मॉर्निंग का। अच्छा, 2 टाइम की चाय रहेगी, 2 टाइम का। अच्छा, इंक्लूड चाय रहेगा। और तो और यहाँ पर स्कीइंग भी करवाते हैं ये। अच्छा, चाहें तो स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ। जो इधर बगल में है वो कुमाऊं मंडल विकास निगम का है, उसके चार्जेस क्या है कुछ पता है? उसके सर चार्जेस ये है 1160 एक रूम का, इसमें 2 लोग रह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर 3-4 बंदे और हो तो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से उसमें बढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, और मील का उनका अलग है। अच्छा, अलग, ठीक है। आपका फायदा ये कि आपका खाना इंक्लूड है जी सर? मेरा खाना। अच्छा, तो एक तो अपना नाम बता दीजिए और अपने रिजॉर्ट का नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम गौरव सिंह है, कुरियाल है, और ये हमारा जो पूरा कैंप है लसपा अल्पाइन ट्रेल करके चलता है।